यहाँ भी रास्ते में देखिए, जो मैंने आगे आपको आड़ू दिखाए तो वो आड़ू यहाँ पे भी कितने गिरे हुए हैं। ये वाला पेड़ है आड़ू का। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह पहाड़ों से एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में स्वागत करता हूँ आपका। तो दोस्तों, मॉर्निंग के करीब अभी 9 बज रहे हैं। एक बार व्यू देख लीजिए आज किस प्रकार का मौसम बना हुआ है पहाड़ों पर। तो फ्रेंड, मौसम देखा, मौसम कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत ही कर लेते हैं इस खूबसूरत मौसम के साथ और देखते हैं दिन भर क्या क्या हो सकता है। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहाड़ों से ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। तो चलिए शुरुआत ही कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। फ्रेंड ये देखिए, एक पेड़ ये आड़ू का है। आजकल ये आड़ू होता है, छोटे छोटे वाले आड़ू होते हैं, ज़्यादा बड़ा ये नहीं होता है, इसकी साइज इतनी ही रहती है। और छोटे से पेड़ में देखिए कितना फल लगा हुआ है। तो फ्रेंड मैं भी ऐसे ही घूम रहा हूँ अभी, मुझे जाना है रोड पे, वहाँ से कुछ खाली पेटियाँ लेके आनी और साथ में कुछ खाली कट्टे भी लेके आने हैं। जहाँ हम नाशपाती पहुँचाते हैं, आपने जो भी सामान ढोते हैं फल सब्जियाँ वगैरह, तो वहीं जाना है, वहीं से लेके आनी है घर पे। और ऐसे ही घूम रहा था तो पास में हरीश भाई भी खेतों में, जो राजमा मैं आपको बताता था कि राजमा की गुड़ाई होके उस पर इस प्रकार खम्भे गाड़े जाते हैं ताकि उनकी बेल ऊपर उठे और अच्छी खासी राजमा इस पर लगे। तो इस प्रकार से होती है राजमा की गुड़ाई और राजमा पे जो इस प्रकार खम्भे लगाए जाते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में अपनी पहाड़ी में तो बोलते हैं इसको ठंगारा लगाना। अभी तो छोटी छोटी हो रही है राजमा, फिर बड़ी हो जाएगी तो इन जो खम्भे लगाए जा रहे हैं तो इस पर काफ़ी ऊपर तक इनकी बेल जाएगी और अच्छी खासी राजमा होएगी। क्यों भाई, क्या कहता है? हाँ, बढ़िया राजमा होगी भाई इस बार। तो फ्रेंड यही हमारा कामकाज होता है पहाड़ों पर, आजकल तो मेन यही काम हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर से और जा रहा हूँ रोड की तरफ को, जो पेटियाँ मैंने लानी है उनको ले आता हूँ और उनको वहाँ से लाके घर पे रख देता हूँ। बाकी सुबह सुबह तो बारिश हुई थी, अभी बारिश हो नहीं रही है, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है खासकर काम करने के लिए भी, और व्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो भी काफ़ी शानदार मौसम दिख रहा है। एक बार नज़ारे देखें कितने खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ भी रास्ते में देखिए, जो मैंने आगे आपको आड़ू दिखाए तो वो आड़ू यहाँ पे भी कितने गिरे हुए हैं। ये वाला पेड़ है आड़ू का। तो इनको जी कोई इतना खाता नहीं है दोस्तों, ये खाली ऐसे ही होते हैं हर साल, कोई खाता भी है नहीं तो ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे यहाँ पे गिरे हुए हैं पेड़ से खुद ही रास्ते पर। आजकल ना दोस्तों मेन हमारे पहाड़ों में ज़्यादा काम होते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, और पहाड़ों पर काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। पहाड़ों का जो जीवन है दोस्तों कठिन जीवन है, इतना सरल जीवन होता नहीं है पहाड़ों का, क्योंकि पहाड़ों पर मेहनत करनी होती है तब जाके आपका जीवन चल सकता है, आपकी गुजर बसर चल सकती है। और हर जगह का पहाड़ों में भी ये नहीं है जैसा हमारे यहाँ होता है, हर जगह वैसा ही होता हो। पहाड़ों में जितना भी पहाड़ी एरिया है तो हर जगह अपने अलग अलग काम होते हैं, अपनी अलग अलग फसलें होती हैं, अलग खेतीबाड़ी होती है। तो हमारे उधर को जैसा होता है वो तो मैं आपके साथ शेयर करते ही रहता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद भी आता होगा। और इसी तरह से हम अपनी लाइफ जीते हैं, और पहाड़ों में कब दिन जाता है कब रात होती है ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाता है और शाम के 8-9 बजे हम लोग खा पी के सो जाते हैं। बाकी अगर आपको भी पहाड़ों की लाइफस्टाइल, पहाड़ों की ज़िंदगी और पहाड़ों की हरियाली आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली मैं इस चैनल पर ब्लॉग लाते ही रहता हूँ तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो फाइनली फ्रेंड मैं उनके घर पे पहुँच चुका हूँ जहाँ से मुझे पेटियाँ लेनी हैं और साथ में कुछ कट्टे लेके जाने हैं। तो यहाँ से लेके जाता हूँ पेटियाँ सीधे घर पर। ये देखिए ये रखी हुई हैं पेटियाँ, एक बंडल मैंने ये लेके जाना है यानी कि 3 पेटियाँ, और साथ में ये वाले कट्टे लेके जाने हैं। तो इनको लेके निकलता हूँ आप घर की तरफ को, और खूबसूरत व्यूज यहाँ से भी आ रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। पास में कसेलिंग मार्केट, और क्लाउड भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं आसमान में आज। और तो जो भी हो दोस्तों, इस बार जो लोगों की फसलें हैं ना वो मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव उनको मिला, काफ़ी अच्छे दाम पे लोगों की फसलें इस बार बिकी हैं,
और जिसके पास जितनी फसल थी, खासकर जिसके पास फ्रूट्स ज़्यादा था, उसकी भी इस बार चांदी हुई है। अच्छा खासा मार्जिन आया है और अच्छा खासा माल बिका है मंडियों पे। आलू भी अच्छा बिक रहा है, लोगों की गोभी भी अच्छी बिक रही है, अगर नाशपाती किसी के पास है वो भी अच्छी बिक रही है, सेब भी अच्छा बिक रहा है। तो फसलें जितनी भी हैं लगभग लगभग अच्छी बिक रही हैं और अच्छा मुनाफा, अच्छा भाव लोगों को मिल रहा है। और यह होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसान काफ़ी मेहनत करता है, लोग काफ़ी मेहनत करते हैं पहाड़ों में, खेतों पे अपने, तो अगर उनकी मेहनत को इस प्रकार से अच्छा मूल्य मिले तो मन भी लगता है कार्य करने में और लोगों की आजीविका का भी अच्छा स्रोत बने रहता है। तो दोस्तों मैं भी पेटियाँ अपने सर पे रख के जाने लगा हूँ घर की तरफ को। अब इनको सीधे घर पे पहुँचाऊँगा और उसके बाद इस पर नाशपाती जोड़ी जाएगी, दूसरी वाली नाशपाती, जो दो प्रकार की नाशपाती मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में। जो गोल वाली नाशपाती होती है वो तो ख़त्म हो चुकी है, अब एक लंबी वाली नाशपाती होती है, उसका सीजन चलेगा। और जिस प्रकार इस बार फसलें बिक रही हैं ना मार्केट पे, तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेहनत हम लोगों की बहुत होती है और अच्छा दाम मिले तो मन लगता है काम करने में। तो चलता हूँ दोस्तों, इनको घर पे पहुँचाता हूँ, फिर आपसे बातें करूँगा। फाइनली फ्रेंड, मैंने पेटियाँ घर पे पहुँचा दी हैं और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। और मैं जो आपको बता रहा था ना कि नाशपाती हम तोड़ेंगे, जो नाशपाती बता रहा था, तो फ्रेंड ये है वो नाशपाती का पेड़, यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, इस प्रकार की नाशपाती होती है वाली जिसको हम तोड़ेंगे। फ्रेंड अभी समय हो रहा है शाम के करीब 4:30 बजे का, मैं भी उठ चुका हूँ और अभी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, धूप आ रखी है, नज़ारे भी काफ़ी औसम आ रहे हैं। ग्राउंड में तो आप व्यू देख ही रहे होंगे, एक बार आपको नज़ारे भी दिखाता हूँ कैसा मौसम बना हुआ है। तो दोस्तों शाम के समय का पहाड़ों का व्यू आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि जैसा आजकल मौसम हो रहा है पहाड़ों में हरियाली छाई है सभी जगह, तो बहुत लोगों को पसंद भी आती है और कमेंट भी करते हैं, अपना प्यार देते हैं। आजकल जितनी खूबसूरत हरियाली दिख रही है पहाड़ों में, उतना ही खूबसूरत पक्षियों का भी होता है आजकल पहाड़ों पर, खास करके आजकल पैरट यानी कि तोता सबसे ज़्यादा आते हैं पहाड़ों पर, क्योंकि आजकल फ्रूट्स हो रखे होते हैं, सेब है, नाशपाती वगैरह, उनको खाने के लिए तो पैरट सबसे ज़्यादा आते हैं आजकल पहाड़ों पे। जिधर देखो पैरट की आवाज़ आपको सुनाई देगी सुबह से शाम तक, उनका शोरगुल, उनका चहचहाना, ये सब आजकल पहाड़ों में सुनाई देता है। जंगल देखिए काफ़ी खूबसूरत है, बड़े बड़े पेड़ हैं इस पर जो काफ़ी शीतलता प्रदान करते हैं गर्मी के समय में। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों पे आज के दिन की भी शाम होने जा रही है और नज़ारे देखिए शाम के, कितना खूबसूरत मौसम, नीला आसमान, चमचम करती लाइट, पहाड़ों में धीरे धीरे लोगों की लाइट भी जलने लगी हैं और सड़कों पे लोग अपने घरों को जाते हुए, तो नज़ारे काफ़ी औसम आ रहे हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। सामने देखिए क्या खूबसूरत नज़र आ रही है कैंप साइट अभी। तो इसी शाम के साथ आपसे लेते हैं आज के ब्लॉग में विदा, आपसे मिलेंगे कल नई ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।